हर हर महादेव। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आज धनतेरस है। धनतेरस पर क्यों जलाया जाता है जम दीपक, जाने मुहूर्त दीपक जलाने की सही विधि और इसके पीछे का रहस्य आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब बताएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता, धनवंतरी देव के साथ जमराज की भी पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जम देवता के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। हिंदू धर्म में 5 दिवसीय पर्व दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण समेत कुछ वस्तुओं को खरीदना अति शुभ माना जाता है। पाचक के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस है। धनतेरस के दिन शाम को शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की पूजा आराधना का विधान है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन जम का दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में एक बार धनतेरस के दिन सरसों के तेल में रुई की बाती डालकर दक्षिण दिशा में आटे का दीपक जलाने से जमराज प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और आरोग्यता का वरदान देते हैं। तो आइए जानते हैं जम देवता के लिए दीपक जलाने की विधि और धार्मिक महत्व। जम देव को दीपक कैसे जलाएं? धनतेरस के दिन आटे का चौमुखी दीपक जलाएं और उसमें सरसों का तेल भर दें। अब दीपक में 4 बाली बत्ती घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक रखें और उसे जलाएं। धनतेरस के दिन प्रदोष काल और खरीदारी, दीपदान और पूजा के शुभ मुहूर्त में जम दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों क्यों जलाया जाता है जम दीपक? धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, गणेश जी, धनवंतरी देव के साथ जमराज की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जम देवता की पूजा करने और उनके लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दक्षिण दिशा के स्वामी जम माने गए हैं, इसलिए धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में आटे के से बना हुआ चौमुखी दिया जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जमराज की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं पता है थी तो कृपया आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम के समय आप जम दीपक जलाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके घर में सुख शांति का माहौल बन सकता है और आपका जीवन में सुखमय रह सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। जय हो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव।